नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। दोस्तों, जेवर ब्लॉक में आज जेवर के विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह ने अनेक योजनाओं का शिलान्यास किया। जो गांव अभी तक मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं थे या उन गाँव तक जाने के लिए सड़कें मुहैया नहीं थी, उन गाँव के लिए सड़कें तैयार करने के लिए विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास ठाकुर धीरेंद्र सिंह ने किया। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर ब्लॉक में जेवर के विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह ने अनेक सड़कों के निर्माण एवं नवीनीकरण हेतु अनेक सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया। जेवर क्षेत्र के वह गांव जो सड़क टूटी होने के कारण अथवा सड़क ना होने के कारण मुख्य धारा से नहीं जुड़ सके थे, सड़कों के निर्माण के बाद अब वे गांव विकास की गति पकड़कर मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। विधायक जेवर ने क्षेत्रवासियों को बनने वाली सड़कों के बारे में जानकारी दी। रबूपरा से फलेदा मार्ग, खुर्जा जेवर से देवी मंदिर नीम का मार्ग, ये जो आपका जा रहा है रोड जेवर से सिकंदराबाद ककोल होते हुए, इससे म्याना होते हुए रबूपरा मार्ग, नगला भामला से नगला हांडा मार्ग, सड़क योजनाओं का शिलान्यास करने के बाद विधायक जनता के साथ रूबरू हुए तथा उनकी समस्याएं सुनी। जेवर प्रेस से बातचीत करते हुए विधायक जेवर ने होने वाले विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। जेवर के लोकप्रिय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, आइए उनसे पूछते हैं कि आज किस कार्यक्रम को लेकर वो जेवर ब्लॉक में है। सर, क्या कारण था यहाँ पे आने का? देखिए, पिछले दिनों हमारा विधानसभा सत्र था, तो अपनी विधानसभा के लिए तकरीबन 50 काम तो PWD के मंजूर कराए गए थे और जिला पंचायत की कार्य योजना स्वीकृत कराई गई थी, जिसमें इस जेवर विधानसभा में तकरीबन 9 करोड़ के काम होने और 5 करोड़ हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप लिए थे, जिसमें इस क्षेत्र के ग्रामों को संपर्क मार्गों से जोड़ा जाना था। कल ही मैंने तकरीबन 32 करोड़ रुपए का बजट ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से फाइलें अपने सामने बैठ के स्वीकृत कराई हैं, जो उधर के 55 गांव लगते हैं मेरी विधानसभा में ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत, उन गांवों में वो विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभ होंगे। उसी प्रकार यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के भी अनेकों काम मैंने स्वीकृत करा लिए हैं, जो चुनाव से पूर्व ही प्रारंभ हो जाएंगे। मकसद है कि ये पिछड़ी हुई विधानसभा कही जाती थी जेवर, मेरा प्रयास है कि मैं इसे उत्तर प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभा बनाऊं और यहाँ का हर संपर्क मार्ग, यहाँ की हर गली पक्की हो जाए, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। तो आज इन्हीं कार्यों का यहाँ शुभारंभ था, शिलान्यास। चूंकि अब समय कम है, एक साथ हम सब गांवों में नहीं जा सकते थे, तो चूंकि काम हमें कल से ही शुरू कराने, इसलिए यहाँ आज इनका शुभारम्भ PWD के कार्यों का किया गया है। विधायक जी, आपका काम करने का तरीका सबसे अलग है और जैसा कि हमने देखा है काफी समय से, 70 साल की बात करें तो अभी तक विकास कार्य इस क्षेत्र में नहीं हुआ था, नहीं हुआ। लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, आप भी लोगों के साथ बिल्कुल घनिष्ठ संबंध रखते हैं, अलग एक व्यवहार आपका रहता है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, लोगों का प्यार ही तो मेरी ताकत है, ये मेरा घर है और विधायक इन लोगों ने मुझे बनाया, तो ये तो कर्ज है मेरे ऊपर, तो ये प्यार के बदले में, इनके स्नेह के बदले में मेरे पास और है क्या विकास के अलावा देने को? बाकी मेरा प्रयास ये होगा आने वाले अभी 3.25 साल और बचे मेरे, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं अपने लोगों के लिए लाऊं। आपको यह भी जानकर हर्ष होगा कि मैं इस विधानसभा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से एक डिग्री कॉलेज जो कोएड होगा और एक हमारी भारत सरकार की योजना है प्रधानमंत्री जन विकास योजना, जिसमें अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में ये सुविधाएं दी जाती हैं, 2 राजकीय कन्या महाविद्यालय में एक मेरा मंजूर हो गया, एक के पीछे लगा हुआ हूं। अभी कल या परसों मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मिलूंगा कि मेरी पिछड़ी हुई विधानसभा है, एक तो आपने कर दिया, दूसरा भी कर दें। तो मेरा इरादा है कि एक जेवर में बनेगा, उसमें से एक विधानसभा के बीच में रबूपरा बनेगा और एक दनकौर विकास खंड में बनेगा। मैं समझता हूँ कि पिछले 70 साल में
इस इलाके में किसी भी जनप्रतिनिधि ने या किसी भी व्यक्ति ने ये प्रयास नहीं किया कि वो बहन बेटियां जो उच्च शिक्षा के अभाव में घर पर ही रह जाती हैं, दसवीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती, तो मेरा प्रयास होगा कि यहाँ का हर नौजवान और बच्चियाँ शिक्षित हों और उन्हें बेहतर शिक्षा कम पैसों में उनके घर के आसपास ही सुलभ हो पाए। धीरेंद्र सिंह ना आज तक ऐसे आए MLA हमारे ना आएंगे, और हम बहुत खुश हैं। और टाइम बताएगा अगली योजना में इनकी जीत होगी सबको, और विकास में तो सबसे आगे हैं ये। बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही बढ़िया हैं।